शोर मत करना, दो मिनट बोलूं, शुरू है ना। वेलकम टू टुडेज ब्लॉग गाइज। आज हम लोग ये वर्ना को पेंट करने वाले हैं और इसे हम कर रहे हैं लैंटाना पर्पल। जब ऑक्टावी दोबारा दे देता, सॉरी। वेलकम टू टूडेज ब्लॉग गाइज। आज वरना हम लोग पेंट कर रहे हैं और इसे हम पेंट करने वाले हैं लैंटाना पर्पल में। जब मैं अपनी रैपिड पेंट कर रहा था तो उस टाइम में वायला पारसिफे और लैंटाना पर्पल में हम थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ जब एक घंटे बाद ये पेंट होके निकलेगी तो मजा आ जाएगा। बस ये अंदर जा रही है, हम लोगों ने पूरा मास्किंग एंड ऑल सारा रेडी कर दिया है। क्लाइंट भी बहुत दूर से हमारे पास आए थे तो थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका कलर निकलता कैसा है। ये वरना जब पेंट होगी ना लैंटाना पर्पल में, और इधर ये नई बलेनो को हमने आई लव मैन ग्रीन किया है, ये साइड बाय साइड एकदम बैटमैन के जोकर वाला वाइब देगी, ये ग्रीन और वो पर्पल। बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा कि नैनो कहाँ तक पहुंची है, तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अभी बस फाइनल फिटिंग वगैरह चल रहा है। इस पर हमने एक ग्रे व्हील्स किए थे, वी रियली थॉट कि पिंक के साथ ये ग्रे व्हील्स अच्छे जाएंगे, जो कि जेन्युइनली जा रहे हैं। कुछ दिनों में रेडी होएगी, फिर इसको पॉलिश वॉलिश करके पूरा फाइनल करके कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। पहली पिंक गाड़ी है हमारी, हमने आज तक कोई पिंक गाड़ी पेंट नहीं की। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं अपनी बाइक का कलर चेंज करने का प्लान कर रहा था। मेरी बाइक अभी भी हाइपोथेकेटेड है, मतलब लोन लिया हुआ है, तो वो अभी भी अंडर लोन के टेन्योर में चल रही है, जिस वजह से अगर मुझे कलर चेंज करना हो और आरटीओ में रिक्वेस्ट डालनी हो उसके लिए मुझे पहले बैंक से एक एनओसी लेना पड़ेगा। तो आज सुबह से मैं दो तीन चक्कर बैंक के काट चुका हूं, उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे अपनी तरफ से देकर आया, और डीलरशिप की तरफ से भी एक एनओसी लगता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कलर चेंज करने की, तो मैंने वो भी डॉक्यूमेंट बनवा के फटाफट उनको भिजवा दिया है। होपफुली 4-5 दिन के अंदर मुझे वो लेटर मिल जाना चाहिए, जिस बेसिस पे मैं ये रिक्वेस्ट कलर चेंज की आरटीओ में डाल सकूं। अब ये सिटी टू सिटी और बैंक टू बैंक थोड़ा सा शायद वेरी कर सकता है, तो अगर आप भी अपनी गाड़ी का कलर चेंज कराने का सोच रहे हो और आपकी गाड़ी हाइपोथेकेटेड है यानी लोन टेन्योर के अंडर है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से रेडी करें और पहले बैंक से एनओसी लें, ताकि आपका आगे के प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम ना आए। हम जा रहे हैं आज हमारी प्रोक्योर की भी पहली गाड़ी पिकअप कर लें। हम लोगों ने सोचा ऐसी कि ठीक है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बचा है, एक साइड हसल क्यों नहीं करते। तो हम लोगों ने कॉर्पोरेट लीज व्हीकल जो पहले कंपनी में यूज होती थी उसको अभी खरीदा है और अब हम उसको पिक करने जा रहे हैं। उस गाड़ी में जो छोटा मोटा पेंट जॉब का काम है, जो भी क्लीनिंग का काम है, वो पूरा क्लीन करेंगे और उसके बाद हम वो गाड़ी लगाएंगे रीसेल के। हमारे पास अच्छी रीच है, हमारे पास ऑडियंस है, हम इसी इंडस्ट्री के हैं, एंड वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड कहां से खरीदे। ट्राइंग की एक पेट प्रोजेक्ट ऐसा रन करके देखें, अगर सक्सेसफुल रहेगा तो विल स्टार्ट। बहुत सारी हमारी ऑडियंस ने बोला भी है कि आप गाड़ी के सेकंड हैंड रीसेलिंग बिजनेस में क्यों नहीं जाते, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रायल फॉर अस। गाड़ी बहुत ही क्लीन है, एक बार पूरी अच्छे से रेडी करके जिसको भी वो गाड़ी मिलेगी ना, ही विल बी अ लकी ओनर। चले वो देखना कितनी मस्त है हर्षल, क्लीन गाड़ी एकदम वाइट वाली। आलम चाबी वो ला रहा है, बोनेट वगैरह खोल के जंपर लगाओ, कहीं ठुकी ठाकी नहीं थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम कहीं लगा नहीं हमें, तो बहुत दिन से गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो इसके लिए चार्ज नहीं है, तो एक बार अभी जंप मारेंगे स्टार्ट करके फिर वर्कशॉप लेके जाएंगे। बैटरी से हो गई, क्लीन गाड़ी है, सीट आगे पीछे नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बीमारी है। हम लोग जब फर्स्ट टाइम देखने आए थे तो हमने बाकी सब चीजें चेक कर ली थी, पर क्योंकि गाड़ी की बैटरी लो थी तो हम लोग इलेक्ट्रिकल्स चेक नहीं कर पाए, बट क्योंकि बाकी सब चीजें एकदम क्लीन थी तो हमें लगा कि इलेक्ट्रिकल्स भी सारे बढ़िया ही होंगे और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये बटन का दिक्कत हो सकता है या फिर मोटर खराब हो गई हो पता है। वर्कशॉप एक बार लेके जाते हैं, वहाँ पे चेक करेंगे। चलने में तो अच्छी लग रही है यार आलम, एक बार ऑयल वॉयल ये वो चेक कर लेंगे कहीं कोई लीकेज ना हो। अब हो गया काउंटिंग कार्स, लोग बोलते हैं ना ये ब्रोटोमोटिव लाइक काउंटिंग कार्स, अब हो गया क्योंकि डैनी भी गाड़ियां खरीदने निकलता था। भाई कोई आवाज नहीं है गाड़ी में, अच्छी मिल गई यार, बस अब कोई लीकेज वीकेज ना हो। कस्टम पेंट जॉब का अगर कराए मस्त क्या बनेगी गाड़ी, मैं सही बता रहा हूँ, गाड़ी चला के मजा आ गया है। अभी मुझे दो ही प्रॉब्लम गाड़ी में दिखे, एक इसका हॉर्न नहीं चल रहा और एक इसकी ड्राइवर सीट की इलेक्ट्रिक मोटर शायद दिक्कत है या बटन में होगी, पर अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी एकदम प्रिस्टीन है, पता है दिल खुश हो गया गाड़ी चला के। पद्मिनी की हमारी टेस्ट ड्राइव चल रही है, गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है,
ट्यूसॉन को अभी हम वर्कशॉप में ला चुके हैं और अब हमारा काम रहेगा इसको प्रायोरिटी में अच्छे से इन्वेंटरी लेना और गाड़ी में क्या क्या चीजें खराब है उसको अच्छे से चेक करना, जो भी चीजें रिप्लेस करनी होंगी वो रिप्लेस करी जाएंगी और फिर गाड़ी में जो रिपेयर वर्क रहेगा गाड़ी को रिपेयर वर्क करने के लिए हमारे बॉडी शॉप में डाला जाएगा। बलेनो देख के दिल खुश हो गया यार, क्या लग रही है यार गाड़ी। वो छोड़ो, आप पेंट बूथ में जाके देखोगे तो और दिल खुश हो जाएगा। लेंट आना पपल ना। हाँ मार रहा है वो अभी। क्लियर। हाँ बीच में नहीं जाता यार, या तो बूथ बड़ा हो गया हमारा या गाड़ियाँ छोटी हो गई हैं, जगह बड़ी बड़ी दिख रही है। राघव तूने लंटाना पर्पल देख ली गाड़ी? आना देखते हैं ना। गणेश तूने देखी लंटाना पर्पल? नाइस कलर तो प्यारा है यार। बैटमोबाइल नहीं वैसे रैपिड का भी कलर बहुत सुंदर था पर ये कलर भी रैपिड में बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रांसपोर्टर मोटर का सपोर्ट क्लोज है ना, बोलो सुंदर है ना। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम आपको मिलेंगे वापस या तो कल या परसों या फिर उसके अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव व्लॉग्स। कोई बात नहीं, व्लॉग में डालेंगे पूरी होने के बाद। दिस इज व्हाई वी हैव टू चैनल्स, 3-4 मोर कमिंग सून। हाँ एक गेमिंग चैनल भी शुरू करना है, एक मूवी रिव्यू चैनल शुरू करना है और 2-3 है इधर, खेती बाड़ी है वो सब भी कर लेंगे। हाँ सेकेंड हैंड कार का भी है, वो भी शुरू करना है। बना लेंगे एक दर्जन चैनल, फूड चैनल सब कैटेगरी में एक एक चैनल। जुड़ियो मैं दो शर्ट में दिख गया, जुड़ियो में जुड़ियो की शर्ट पहना। हाँ हमने भी जुड़ियो पहना, तुमने भी जुड़ियो पहना। मैंने भी जुड़ियो पहना। आपने जुड़ियो पहना है? यस जुड़ियो। ये गाड़ी वो बेच देने वाले, वो रखने वाले। और जिस तरीके से बैठे है ना अंदर, अबे देख रहा हूँ मैं, पागल है क्या? मैं इतना पैसा नहीं है मेरे पास अभी, मैं किसी पे भी खर्चा नहीं करता, मेरे को शौक ही नहीं यार किसी चीज का। नहीं होनी चाहिए तो फिर ऐसी GLC कूपे होनी चाहिए, GLC कूपे थोड़ा सा और बड़ा था, GLE कूपे हो जाएगी। और सेडान में फिर वो RS स्पोर्ट्स बाइक ऑडी कब आएगा मजा। चलो लगाऊं उधर ये आइटम, बोनट खोल के चले गए।